So hi guys, welcome back to my channel. I am starting a new series, birthday series. So this is my birthday month, February. And मैंने सोचा इसमें चार एपिसोड करने के लिए, so this is the first episode. And इसमें मैं डेकोरेट करने वाली हूँ अपना रूम. अभी पहले तो काफ़ी कुछ अरेंज करना है मुझे, लाइक कैबिनेट, टेबल, बेड, चेयर, सब जगह फैला हुआ है सामान. अरेंज करूँगी एंड देन उसके बाद डेकोरेट करना है मुझे बहुत कुछ. So, yeah, let's begin. तो आज मैंने जैसे बताया कि काफ़ी सफाई की है. मैंने इसको भी आगे और थोड़े तक ढकेल पीछे से सफाई की. तो मुझे पीछे से मिला ये मिरर. मैं सोचू इसको मैं यहाँ लगा दूँ क्योंकि मेरे रूम में एक भी मिरर नहीं है. एंड हमारे ओनर ने कील ठोकने के लिए मना किया है, सो मैं इसको उल्टा टंगाने वाली हूँ ऐसा विद द हेल्प ऑफ ये हुक. ऑल्सो आप लोग ने देखा कि नहीं, मैंने नया चश्मा लिया है एंड ये ऐसा हल्का पिंक टिंट का है, लाइट पिंक. पहले वाले से आई लाइक इट बेटर थोड़ा, बट ये बहुत नर्डी दिख रहा है मुझे क्योंकि एक तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है एंड वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने ले लिया एंड मैंने पहना तो ओ रेक्टेंगुलर थोड़ा नर्डी दिख रहा है, बट आई लाइक द कलर. सो या मैंने ये मंगवाया था मम्मी से, मम्मी जब गई थी मोती बाज़ार हरिद्वार में. सो ये फ्लावर्स वाला और ये पत्ते वाला, मुझे ये चाहिए था सिर्फ, पर ये भी दिख गया था तो मेरे को लगा चलो थोड़ा मिक्स कर लेते बहुत पत्ता ना लगे. तो ये चार स्ट्रिंग्स हैं एंड ये आई गेस 3 स्ट्रिंग्स हैं, तो मैं अल्टरनेट लगाने वाली हूँ. एंड मम्मी ने बड़े अच्छे से पैक करके दिया कि उलझ ना जाए एक एक न्यूज़पेपर फ्लैप में ये वाला. तो ये चार हैं सब में एंड ये थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा, अभी सब मेस्ड अप है, बट मैं इसको यहाँ लगाने वाली हूँ. सो अब मैं ला चुकी हूँ कैची और टेप एंड अब शुरू करते हैं डेकोरेशन. थोड़ा सा लाइवली लगेगा यार कमरा मेरा. पहले मैंने प्लांट लगाया था एक, पर फिर मैं 2 महीने के लिए घर चली गई थी, उसमें पानी नहीं हुआ, वो मर गया फिर और क्या. So this is what I have decorated अभी तक. So I'm going to do the setup जैसे कि मैंने पहले बोला था. So इधर करते हैं. So मैं इधर एक पहले जिम मैट बिछाने वाली हूँ. कारपेट तो है नहीं मेरे पास, जिम मैट, योगा मैट, वट एवर यू कॉल्ड, मैट बिछाने वाली हूँ. एंड मैट मैंने लिया था काफी पहले बट अभी तक यूज नहीं किया है. मेरी मम्मी देखेगी तो बहुत मारेगी कि खरीदवा लिया और यूज नहीं किया, बट यस अब वो बिछा रहेगा तो कम से कम मैं करूंगी. ओके एंड अगर आपको पता होगा तो मुझे प्रिंट्स बहुत पसंद है एंड कलर्स भी, तो इसीलिए दिस इज द मैट. सो ये बिछा दिया मैंने मैट, गोल्स पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से रोल होके, तो ये और ये ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम पे. एंड वहाँ पे मैं एक चीज़ प्लेस करने वाली हूँ कोने पे, दैट इज अ यूकुलेले. नाइस सेटअप राइट. अभी के लिए इतना ही, लाइट्स नहीं है वरना मैं लाइट्स लगाती पीछे, बट ये है अभी का. एंड अभी मैं एक नया एडिशन करने वाली हूँ, सो आई विल डू अ फ्लूइड आर्ट जिसके लिए मैंने कैनवस खरीदा था ब्लैक कलर का बहुत पहले चंडीगढ़ से, विच इज़ दिस, ये ब्लैक कलर का कैनवस एंड अभी तक इसकी पॉलीथिन लगी हुई है, अनटच्ड है बिल्कुल. सो इसके लिए मैं आज कैंटीन से 4 कप भी उठा के लाई हूँ. सो कॉफ़ी जिसमें पीते हैं बच्चे या चाय, मैं तो कॉफ़ी चाय कुछ पीती नहीं. सो मैं ये 4 कप लेके आई हूँ. सो इसमें 4 कलर्स हैं डिफरेंट, सो वो डाल के देन आई विल डू अ फ्लूइड आर्ट एंड ये भी एक डेकोरेशन का पार्ट होगा. सो वो भी मेरे रूम को थोड़ा अच्छा करेगा जो कि मैं बहुत टाइम से करना चाह रही हूँ. सो फाइनली होने हो रहा है ये. या सो लेट्स डू. सो
दीज आर द फोर कलर्स, वाइट, पिंक, ऑरेंज और रेड. तो पहले देखते हैं कैसे करना है इसको. डायरेक्शंस फॉर यूज में तो लिखा है कि सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ फ्लूइड एक्रेलिक कलर्स, फोर कलर्स वन बाय वन इन अ कप टू क्रिएट मल्टीपल लेयर्स. अच्छा, मेरे को लगा चार लाऊंगी, चार में डिफरेंट. फिर पोर कलर्स ऑन द सरफेस यूजिंग एनी पोर टेक्निक. टिल्ट द सरफेस इन एनी डायरेक्शन टू स्प्रेड कलर्स. लेट योर आर्ट वर्क ड्राई फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स. यूज वॉर्निश स्प्रे फॉर प्रोटेक्टिंग योर आर्ट वर्क. ओके, पहले तो न्यूज़पेपर बिछाते हैं नीचे, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसको भी अनरैप करते हैं, जो बोर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है पता नहीं कब से. सो दिस इज द कैनवस. सो लेट्स डू. अब मुझे पता नहीं कैसा होने वाला है, मैंने एक बार बह रहा है पहले यार, फन लग रहा है. ये व्हाइट नहीं है ना, थोड़ा सिल्वर, हाँ मेटालिक सिल्वर है वो, मतलब व्हाइट है. सो दिस इज़ द हालत ऑफ माई हैंड्स राइट नाउ. बहुत ही मैसी हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, तो ये धो के आती हूँ. सो जैसी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा तो हुआ नहीं, थोड़ा पता नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम था, पर इट्स फन आई गेस. उससे मैं करूँ मैं भी बाद में जो कलर्स बचा हुआ है तो छोटे कैनवस पे. दिस इज हाउ इट इज. रेड का कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, आई वॉन्टेड ब्राइट थोड़ा, पर ये रेड थोड़ा सा ब्लड रेड से भी थोड़ा ज्यादा ही डार्क है, तो इट्स लाइक दिस. सो दिस इज हाउ द कॉर्नर लुक्स राइट नाउ. ये मैंने कॉपर बेल लिया था जो कच्छ से पिछले साल जब हम गए थे क्राफ्ट रिसर्च डॉक्यूमेंट के लिए. देन ये जो मैंने कल बनाया, बट ये इसके ऊपर न्यूज़पेपर फ्लिप हो गया जिसके ऊपर मैंने ये सुखाया था, तो वो थोड़ा वहाँ पे गंदा हो गया, मतलब ख़राब हो गया, पर स्टिल लुक्स फाइन. और ये मैंने लिया था मेले से जो हमारे कॉलेज में लगा था पपेट हाथी का. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ राइट नाउ. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मेमोरी वॉल, एंड इसमें मैंने ये सब चीज़ें इंक्लूड की है जहाँ मैं गई हूँ कहीं घूमने, तो वहाँ से कुछ कलेक्ट करके लाई हूँ, या हमारे असाइनमेंट्स के कुछ थोड़े बहुत मेमोरीज टाइप का. सो दैट्स दैट. और या तो किसी ने कुछ दिया हो मुझे. सो या, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. और मैंने काफ़ी कुछ एक्साइटिंग प्लान कर रखा है आगे के एपिसोड्स के लिए, तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि कोई वीडियो छूटे ना. ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि व्हाट डू यू वांट टू सी इन द नेक्स्ट एपिसोड. So I will try to do it, and tab tak ke liye bye bye.